हेलो पैथन प्रोग्रामर्स, आज हम एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक कमांड देखेंगे जो कि पिप पैकेज के साथ रिलेट करने वाली एक कमांड है। यानी उसी की एक कमांड है ये। बेसिकली ये कमांड है कि हम इस कमांड के जरिए हम ये देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में पाइथन के कौन कौन से पैकेज किस किस वर्जन के इंस्टॉल हैं पहले से ही, या हमने जो करेंगे टोटल अब तक, हमने जब से पाइथन इंस्टॉल करी उसके बाद जब से हमने आज तक जितने भी पैकेज इंस्टॉल करें उन सबको हम देख सकते हैं कि एक फाइल बनाकर हम यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं सिर्फ एक कमांड से। तो ये हम पाइथन के एक कमांड के थ्रू ये हम कर सकते हैं जो कि एक पिप की एक कमांड है। तो चलिए देखते हैं क्या है कमांड। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना लोकल डिस्क डी में यह कमांड को रन करता हूँ। देखिए, आप ये कमांड कहीं भी किसी भी लोकेशन पर रन करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके सिस्टम पर बस पाइथन इंस्टॉल हो। तो मैं देखिए यहाँ पर लोकल डिस्क डी में आ गया हूँ और मैं यहाँ से अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, CMD। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर एक कमांड लिखूँगा और वो कमांड है पिप फ्रीज, पिप फ्रीज ग्रेटर देन का सिंबल। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, पिप के बाद स्पेस है, उसके बाद फ्रीज, फिर स्पेस, फिर ग्रेटर देन, फिर स्पेस, और वहाँ पे वो फाइल का नाम, जैसे मैंने लिखा रिक्वायरमेंट्स डॉट txt, ये एक फाइल का नाम है रिक्वायरमेंट डॉट txt। मैं एंटर करता हूँ इस कमांड को, तो देखिए यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट डॉट txt बन गई। मैं इसको बंद करता हूँ, अब इसका काम खत्म हो गया। तो देखिए मैं अब इसको खोलूँगा फाइल को। तो देखिए मेरे सिस्टम में जब से मैंने पाइथन इंस्टॉल करी है जितने पैकेज थे वो सारे मेरे को दिखाई दे रहे हैं, और कौन कौन से वर्जन के ये भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर में पाइथन के कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हैं, कौन कौन से वर्जन के, यहाँ पे सब दिखा रहा है। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। इस चैनल पर आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। थैंक यू।